बीजेपी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है, केजरीवाल पर निशाना साधा है। आज तीन झूठ कहे हैं केजरीवाल ने, ये गौरव भाटिया दावा कर रहे हैं। मनरेगा में बजट घटाने का झूठा दावा है, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल फेल है, ये दावे किए हैं कुछ देर पहले बीजेपी ने। सुन लीजिए, नहीं भूलना चाहिए जो स्वयं में एक उत्तर है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये रुपया आता है, जाता कहां है? सत्येंद्र जैन के घर नहीं जाता है, मनीष सिसोदिया उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिलता है इससे, 200 करोड़ टीके लगते हैं आम जनता को इससे। लेकिन मैं ये बता दूं कि 2022-23 में जब मनरेगा का बजट रखा तो इसका अनुदान था 73,000 करोड़, 21-22 में 73,000 करोड़ और 22-23 में 73,000 करोड़। और इसके साथ अगर अरविंद केजरीवाल जी झूठ ना बोलते इतना, और केवल वित्त मंत्री जी का भाषण जो संसद के पटल पर कहा गया है वो सुन लेते, मैं वो लेके आया हूं क्योंकि जरूरी हो गया है कि झूठों का झूठ पकड़े। ये सवाल निर्मला सीतारमन जी से जब पूछा गया तो मैं पढ़ दूंगी क्या लिखा है। ये रिपोर्ट है मीडिया की, कह रही है गवर्नमेंट विल एलोकेट मोर फंड्स फॉर मनरेगा इफ नीडेड। अभी ये वित्त वर्ष चल रहा है,